बहुत गीत बने मेरे बारे में, बहुत लेख छपे कि मैं महान हूँ, पर दुर्दशा न देखी मेरी किसी ने भी, मैं एक लाचार भारतीय किसान हूँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा आज का यह वीडियो इस देश के अन्नदाता को समर्पित है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि लोग इस वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही इस विषय को बोरियत वाला विषय घोषित किया जा चुका है। आज लोगों को केवल सेलिब्रिटीज़ का नाच गाना, अश्लीलता या कॉमिक वीडियो ही पसंद आते हैं, और आज देश का समझदार कहा जाने वाला वर्ग अपनी इसी दुनिया में मस्त है। लेकिन आज मैं बात करूंगा उस 70% भारत की जो गांव में बसता है। आज मैं बात करूंगा देश के किसान की। दोस्तों, इस देश में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। आज इस देश का किसान खुद मरणासन्न स्थिति में है। आज इस देश का अन्नदाता खतरे में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 सालों में 2,34,642 किसानों की आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं। यानी हमारे देश में औसतन करीब हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन वास्तविकता इनसे कई ज़्यादा गुना भयंकर है। लेकिन दोस्तों, आज फिर भी पूरा देश इस पर मौन है, और आलम यह है कि हर दिन किसानों की आत्महत्याओं की खबर सुन सुनकर या अखबारों में पढ़ पढ़कर हम सब संवेदनाहीन हो चुके हैं। इसलिए आज किसी को भी इन किसानों का दर्द नहीं दिखाई पड़ता। आज आए दिन किसानों को अपनी मांगों की पूर्ति के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसा तो अंग्रेजों के समय में हुआ करता था, जब किसान अंग्रेजों की नीतियों से तंग आकर आंदोलन का सहारा लेते थे। लेकिन दोस्तों, आज आज़ादी के इतने साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। देश में किसानों का आज भी दमन हो रहा है। किसानों की बेबसी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस देश में किसानों को सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए निर्वस्त्र तक होना पड़ा। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ऐसा तभी करता है जब उसके पास कोई दूसरा विकल्प ना हो। दिन भर की कड़ी मेहनत के बावजूद भी किसान को अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और यहीं से शुरुआत होती है उसके पतन की। दिसंबर 2014 में जारी हुई NSSO की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के किसान परिवारों पर औसतन 47,000 रुपये का कर्ज है। दोस्तों, किसानों की आत्महत्याओं के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही कर्ज होता है। इस देश का किसान बहुत स्वाभिमानी होता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन खुददारी बहुत होती है। जब बैंक, साहूकार या महाजन उसके घर पे तगादा करने के लिए पहुंचने लगते हैं, तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब समाज में उसके स्वाभिमान को रौंदा जाता है और उसके पास जवाबदेही के लिए कुछ नहीं होता, तब वो चुनता है आत्महत्या का रास्ता। एक किसान के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि आज हम सब लोग अंग्रेजियत में ढलकर इंडियन हो चुके हैं, लेकिन वो इस देश का किसान ही है जो आज भी पूर्ण रूप से भारतीय है, चाहे उसकी भाषा की बात हो, चाहे वेशभूषा की, और चाहे हो उसके खान पान की बात। हर स्तर पर आज भी भारत का किसान भारतीय परंपराओं का पूरी निष्ठा से निर्वहन करता है। दोस्तों, आज जवान और किसान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आज देश का जवान सरहद पर मर रहा है और किसान खेतों में। दोस्तों, देश के जवानों और किसानों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात कि जो सिपाही आज देश की सीमा पर तैनात हैं, वो सब इन्हीं किसानों के परिवारों से हैं। कोई भी MLA MP अपने बेटों को सरहद पर नहीं भेजता, वो
वो इस देश का किसान ही होता है जिसका बेटा फौज में जाने के लिए सुबह 3 बजे उठकर दौड़ लगाता है। तो आज ज़रूरी है कि हम सब देश के जवानों के साथ साथ देश के किसानों का भी सम्मान करें, उन्हें तुच्छ और गवार कहकर उनकी अवहेलना ना करें। आज इस देश की सरकारें किसानों के लिए क्या कर रही हैं ये किसी से छिपा नहीं है। इस देश में लगभग हर पार्टी को सत्ता चलाने का अधिकार मिला है, लेकिन किसानों की हालत में कभी कोई सुधार नहीं आया और शायद आगे भी कोई संभावना नज़र नहीं आती। और सबसे बड़ी बात कि आज का संवेदनाहीन समाज इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन क्या आप सबको पता है कि इस देश में हर रोज़ लगभग 2500 किसान खेती छोड़ रहे हैं। 2500 का मतलब समझते हैं आप, साल में 9,12,500। अगर यही चलता रहा तो एक दिन पूरा देश भुखमरी की चपेट में होगा, इससे आप और हम भी नहीं बच सकेंगे। दोस्तों, अगर आप देश के किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनकी हर तरीके से मदद कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग सड़कों पर नुक्कड़ों पर सब्जियां बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, उनसे मोल भाव मत कीजिए, क्योंकि वो वैसे भी आपसे 2 रुपए ज़्यादा नहीं लेंगे। बस सम्मान करिए इस देश में किसानों का, जवानों का। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।